ग्रेनाइट और मार्बल खरीदते समय काफी लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है, बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आप ग्रेनाइट या मार्बल जो भी परचेज करने के लिए जा रहे होते हैं इसमें आपको कुछ टिप्स देंगे। उस टिप्स से आप ग्रेनाइट या मार्बल खरीदते समय चीटिंग से बच सकते हो और कुछ पैसे भी आप सेव कर सकते हो। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्रेनाइट या मार्बल खरीदने के लिए जा रहे हो तो। और मैं हूं अन्नी सिंह, मेरे चैनल ग्रेनाइट हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं इसी तरह ग्रेनाइट के ऊपर सजेशन देता हूं और ग्रेनाइट का इन्फॉर्मेशन देता हूं और साथ ही मेरे चैनल पे बिल्डिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ग्रेनाइट खरीद रहे हो या मार्बल आप खरीद रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले आपको डे शिफ्ट दिन में ही जाके आपको खरीदने हैं, ये हमेशा याद रखें। कितना ज़्यादा भी आपका विश्वासी कोई दुकानदार हो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में ही जाके मार्बल खरीदो या ग्रेनाइट आप खरीदो। दिन में ये होता है कि ग्रेनाइट है या मार्बल है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मार्बल फिलिंग किया हुआ या ग्रेनाइट में क्रैक है, तो ये आपको दिन में खरीदते समय आपको ये दिख जाएगा। दूसरा ये है, ट्राई आप एक दुकान नहीं 7-8 दुकान ट्राई करो। 7-8 दुकान ट्राई करने से आपको ये हो जाएगा कि उसका प्रॉपर जो उसका प्राइस है वो प्राइस आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मटेरियल इतने में ही मिलेगा। क्योंकि अगर एक दुकान में जाते हो, मान लो कि कोई ग्रेनाइट परचेज कर रहे हो, वो रेट बताया आपको 150 एक स्क्वायर फीट का, आपको आइडिया ही नहीं है कि वो ग्रेनाइट 150 का है या 100 रुपये का है। आप तो 5-10 कम कराओगे बस इतना हो जाएगा, आप 6-7 दुकान ट्राई करोगे तो आपको रेट का आइडिया हो जाएगा कि ये ग्रेनाइट या ये मार्बल का प्राइस इतना है। जब आप रेट पक्का कर लिए ग्रेनाइट है या मार्बल है, अब फिर अब आपको चेक करने हैं प्रॉपरली। अगर ग्रेनाइट आप परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो नेचुरल है या कलर कोटेड है। कलर कोटेड क्या होता है गाइज, ग्रेनाइट के ऊपर एक इपॉक्सी आता है, इपॉक्सी लगाने से उसका जो बेसिक कलर होता है, सपोज करो कि कोई वाइट है उसको ब्राउन कर दिए या रेड कर लिए, तो बेसिक कलर को चेंज कर दिया जाता है, उसको कलर कोटेड बोलते हैं। कलर कोटेड में ये नुकसान है कि अगर आप घर में लगा लेते हो, अगर जहाँ पे सनलाइट नहीं है तो वहाँ पे कुछ दिनों का तो लाइफ आ जाता है, अगर जहाँ सनलाइट है वहाँ पे आप उसको लगा देते हो तो विथ इन 6 मंथ में वो फेड हो जाएगा। मतलब जो उसका ओरिजिनल कलर है और जो कलर कोटिंग हुआ है दोनों का एकदम उल्टा पुल्टा मिक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ग्रेनाइट परचेज कर रहे हो तो देख लो नेचुरल है या कलर कोटेड है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नेचुरल ग्रेनाइट ही खरीदो। और ये नेचुरल और कलर कोटेड चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रेनाइट का बैक साइड में आप पानी डालो, क्योंकि कभी भी ग्रेनाइट में कलर कोटिंग किया जाता है तो उसके फ्रंट में किया जाता है, ना कि बैक साइड में किया ही नहीं जाता है। तो बैक साइड में आप पानी डालोगे और फ्रंट साइड से कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये नेचुरल है या कलर कोटेड है। अब रही बात मार्बल खरीदने के लिए जा रहे हो, तब जब मार्बल आप खरीद रहे हो तो पहले लॉट है, जो मार्बल का लॉट है उसमें लोग क्या करते हैं 4, 5, 6, 7, 10 स्लैब अच्छा डाल देते हैं, अच्छा मतलब फिलिंग विलिंग नहीं है और काफ़ी अच्छा पैटर्न का डाल देते हैं। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करने हैं, एक स्टैंड लगवाने हैं मार्बल के ऊपर और पूरा मार्बल को एक एक पीस करके कटाने हैं और ऊपर से हाथ वगैरह फेर के देखने हैं। जिस पे आपको डाउट हो एक बार उस पे आप पानी डाल के चेक कर लो। पानी डालने से क्या होता है कि उसमें जो फिलिंग किया हुआ रहता है, ज़्यादातर मार्बल में जो फिलिंग किया हुआ रहता है वो आप एक साइड पानी डालोगे तो दूसरे साइड वो पानी पी लेगा तो दिखने लगेगा ये क्रैक है। तो ये बात का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों, जल्दबाजी में ये नहीं करने हैं। एक लॉट में अगर 70 स्लैब है तो 70 स्लैब आप आराम से, पैसे पे कर रहे हो तो आराम से कटा के देख लो, थोड़ा देर ही लगेगा। हाँ अगर आप प्रोफेशनल हैं मार्बल खरीदने का तो फिर कोई दिक्कत तो है नहीं। चौथा बात है मेजरमेंट का। अब मेजरमेंट का है तो मार्बल में अधिकतर क्या होता है, एक ही प्रकार का सेम लॉट होता है तो लोग एक स्लैब का मेजरमेंट कर लेते हैं, मेजरमेंट करके पूरा स्लैब का नक्की कर देते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एक है सेम लॉट है लेकिन एक एक स्लैब देख के, मेजरमेंट तो सेम ही आएगा पूरा सेम लॉट है लेकिन एक एक स्लैब करने से ये हो जाएगा कि किसी एक स्लैब में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपका कुछ पैसे बच जाएंगे। पैसे कैसे बचेंगे कि मान लो 10 फीट बाई 3 फीट का मार्बल है, एक एक स्लैब चेक कर रहे हो तो अगर कहीं पे क्रैक आ गया 10 फीट लेंथ है तो आपको मान लो 8 फीट पे क्रैक आ गया तो आपका जो कैलकुलेशन होगा तो 10 फीट काउंट नहीं होगा, 10 फीट से लेके 8 फीट बाई अगर हाइट उसका 3 फीट है तो 8 फीट बाई 3 फीट 24 फीट का वो स्लैब हो जाएगा। जब आप क्रैक उसमें नहीं चेक किए हो तो ये आपको 30 फीट का हो जाएगा, तो आपको 6 फीट
का लॉस हो जाएगा, ऐसे आप 6 फीट बचा भी रहे हो, 6 फीट आपका यूज भी आ जाएगा और 6 फीट का आपका पैसे भी बच जाएंगे। ये तो मार्बल का मेजरमेंट का बात हो गया गाइज। अब ग्रेनाइट का है, ग्रेनाइट का मेजरमेंट मार्बल जैसा बिल्कुल नहीं है, मेजरमेंट का सिस्टम वही है लेकिन उसमें एक स्लैब करके पूरा लॉट मेजरमेंट कर देते हैं, ग्रेनाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेनाइट है पूरा एक एक स्लैब और एकदम प्रॉपरली चेक किया जाता है, क्योंकि मार्बल में तो पानी डाल देने से क्रैक दिख जाता है या थोड़ा हाथ वगैरह फेर देने से आपको डाउट हो जाता है कि यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन ग्रेनाइट में ऐसा नहीं। ग्रेनाइट में बहुत कम ऐसा है जो ओपन क्रैक आता है, नहीं तो इसमें छोटे छोटे क्रैक आते हैं। तो आपको प्रॉपरली एकदम पूरा स्लैब को सावधानी से चेक करने हैं, सावधानी से चेक करके और फिर उसका मेजरमेंट करने, सावधानी से फिर इसमें यही लॉजिक आ जाता है दोस्तों कि अगर आप इसको सावधानी से चेक कर लिए तो कहीं आपको क्रैक मिल गया, मान लो कि क्रैक मिल गया 5 फीट भी बचा लेते हो, तो 5 फीट का अगर मार्बल खरीद रहे हो तो 500 रुपये आप बचा लेते हो एक स्लैब में। अगर समझ लो कि वही क्रैक पूरे लॉट में है तो आप कितने पैसे बचा लोगे। तो इसलिए जब आप खरीदने के लिए जा रहे हो तो पूरा प्रॉपरली चेक करो, ऊपर नीचे दोनों साइड में सेंटर में आराम से चेक करके फिर खरीदना है, और ऐसा आपको हर स्लैब में करना है, क्योंकि ये जो फैक्ट्री वाले उनको भी गारंटी नहीं है कि किस स्लैब में क्रैक आएगा या नहीं आएगा। किसी में क्रैक आ जाता है पूरे ब्लॉक में तो पूरे में है, लेकिन नहीं आता है तो किसी को भी मालूम नहीं रहता है कि किस स्लैब में क्रैक है। हाँ, ये आइडिया रहता है कि 10 स्लैब, 5 स्लैब, 15 स्लैब में ऐसे क्रैक रहता है। तो जब आप खरीदो तो एकदम प्रॉपरली सारे स्लैब को चेक करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। और डे शिफ्ट इसलिए बोला कि दिन में जब आप चेक खरीदोगे तो दिन में आपको सारे दिखेंगे, अगर शाम को लिए तो कुछ नहीं दिखने वाला है। पांचवा है, ग्रेनाइट खरीद रहे हो या मार्बल खरीद रहे हो उसका कैलकुलेशन आपको चेक करने हैं। मार्बल अगर खरीद रहे हो गाइस तो मार्बल का कैलकुलेशन का उतना लफड़ा है नहीं उसमें, क्योंकि अधिकतर सेम आ जाता है। तो मान लो कि 10 फीट बाई 3 फीट है इंटू 70 पटिया, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी है। अगर बीच में कोई 10-15-20 पार्टियाँ क्रैक आ गया तो उसका आराम से निकल जाएगा, लेकिन ग्रेनाइट में है कि इसमें एक एक पीस का मेजरमेंट करेंगे ये इक्वल नहीं आएगा। किसी में क्रैक आ गया तो किसी में पैचेज आ जाते हैं और किसी में कुछ आ जाता है, तो हर स्लैब का मेजरमेंट आपका डिफरेंस आएगा। ऐसा कम चांसेस रहता है कि सारे का मेजरमेंट आपको एक ही जैसा आ जाए, तो डिफरेंस आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेनाइट में, आपको बताया नहीं, ग्रेनाइट में एकदम यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म आ रहा है कोई भी ग्रेनाइट का कलर, तो उसको फ्रेश बोलते हैं। आपको ये भी ट्राई करना है, फ्रेश है, सेकेंड है और मीडियम है। फ्रेश, सेकेंड, मीडियम को मैं एक ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा फ्रेश है, सेकेंड है, मीडियम है। अगर कोई ग्रेन्स का ग्रेनाइट है, किसी में ग्रेन्स है, तो ग्रेन्स जो है ग्रेनाइट, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरे पास ग्रेनाइट है ये ब्लू पर्ल है, ये इम्पोर्टेड ग्रेनाइट है, इसमें ग्रेन्स आ रहा है, ये देख लो, ये छोटे छोटे ग्रेन्स है। ये ग्रेन्स में क्या है, कोई एक लाइन आ गया, ऐसे ब्लैक लाइन आ गया, तो ये ग्रेनाइट मीडियम का हो जाता है, नहीं तो ये फ्रेश में आता है। तो ये भी आपको, किसी में अगर लाइन आ रहा है या जो उसका बेसिक पैटर्न है जो ग्रेन्स है उसके, उसको छोड़ के कोई और दूसरी टाइप का डिजाइन आ रहा है तो वो मीडियम में हो जाता है। मीडियम आप कुछ भी कह लो, मीडियम कह लो, तो उसमें आपको बस ये करना है, उसका रेट कम हो जाएगा जो फ्रेश का है, फ्रेश के अकॉर्डिंग उसका रेट, आपको फ्रेश का जो रेट है वो मीडियम वाले का रेट कम हो जाएगा, जो भी हो, 5 हो 10 हो जैसे भी हो, तो ये रेट कम हो जाएगा। ये ग्रेन्स वाले में बता दिया, कुछ में पैटर्न होते हैं, पैटर्न में जैसे आप देख लो बॉस पैराडाइज ग्रेनाइट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैटर्न होते हैं, तो वो एक ले में पैटर्न है तो वो एकदम फ्रेश है, जैसे ऐसे पैटर्न चल रहा है और ऐसे खड़ा आ रहा है। मैं आपको इस वीडियो में फ़ोटो भी दिखा दूंगा कि ऐसे पैटर्न चल रहा है और ऐसे कोई खड़ा काट रहा है, तो उसका रेट 1-2-5 रुपये कम हो जाते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट, सेकेंड, मीडियम का बात। अब ग्रेनाइट में जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन लगभग इंचेज में मेजरमेंट होते हैं, कुछ एक जगह फिट में होते हैं और कुछ एक सेंटीमीटर में होते हैं। सेंटीमीटर में अधिकतर जो एक्सपोर्टेड मटेरियल है दूसरे कंट्री से लेके आते हैं वो सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है, नहीं तो अपना इंडियन ग्रेनाइट जितने हैं वो इंचेज या फिट में मेजरमेंट करते हैं। मान लो इंचेज में 120x36 आप लिए, 120x36 ये इंच हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 144 से। काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि 144 है क्या। 144 ये है कि इंच को फीट में बदलने के लिए 12 से गुना करते हैं, अब इसमें दो यूनिट है तो 12x12 144 हो जाता है, इसलिए 144 से डिवाइड करके जो आएगा वो आपका स्क्वायर फीट हो जाएगा। जैसे 120 36 को 144 से डिवाइड करेंगे 30 स्क्वायर फीट होता है। मैं इसलिए आपको ये बताया
कि मैं यहाँ हूँ। तो पहले क्या होता था कि 144 की जगह 114 पे काफ़ी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सब करते थे, कोई दो चार दुकान वाले ऐसे थे कि जो आया परचेज कर लिया 114 से डिवाइड कर देते थे, तो उसमें वो बढ़ा लेते थे। अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, काफ़ी लोग समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं आपके साथ हो जाए, इसलिए जब आप ग्रेनाइट खरीद लिए या मार्बल खरीद लिए तो आप उसका कैलकुलेशन वहीं पे चेक कीजिए कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अगर कैलकुलेशन में यार 50 फीट का अंतर हो गया तो 5000 रुपये का फर्क पड़ जाता है, आप कहाँ से आए कहाँ खरीदे तो फिर वो कौन मानने वाला रहता है, इसलिए फिर आना जाना दुनिया का तमाशा हो जाता है। इससे अच्छा है कैलकुलेशन आप वहीं पर चेक करो, वहीं पर चेक करके और फिर आप जाके उनको पैसे दो। और जहाँ तक लोडिंग की बात है, तो मार्बल की लोडिंग की है, तो मार्बल का लोडिंग का मान लो कि आप मार्बल खरीद लिए पूरा, मेजरमेंट भी हो गया, कई ऐसी है कि छूट गए, छूट भी जाते हैं, और नहीं तो कई लोग होते हैं कि एक स्लैब मेजरमेंट की है पूरा लॉट ओके कर देते हैं, ठीक है भाई ये लोड करना है, तो दिन में ही उसको लोडिंग करना चाहिए। दिन में लोडिंग इसलिए करना चाहिए कि जब लोडिंग एक एक पीस करेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम है वो आपको दिखेगी, लेकिन अधिकतर दुकान वाले क्या करते हैं आपको टालते रहते हैं कि सर किसी बहाने से आपको टाल देंगे कि गाड़ी आप अंधेरे में लोड करो, तो ये ट्राई करो कि अंधेरे में नहीं, आप पहले ही सनलाइट में गाड़ी लोड करा लो। ग्रेनाइट में है, ग्रेनाइट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट का जो मेजरमेंट करते हैं वो एक एक पीस मेजरमेंट कर लेते हैं, और दूसरा ग्रेनाइट में ये है कि आप दूर से खड़े होके उसका क्रैक देख लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्रैक वही देख सकते हो जो काफ़ी फूटा हुआ क्रैक है, काफ़ी ओपन क्रैक है, वो ग्रेनाइट में दिखता है, नहीं तो अदरवाइज दूर से खड़े होकर आप ग्रेनाइट में नहीं देख सकते हो। तो दोस्तों यही था मेरे ग्रेनाइट या मार्बल जो भी आप परचेज कर रहे हो, तो यही मेरे कुछ टिप्स थे कि जब आप परचेज करने के लिए जाओ तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ये सावधानी रखना जो मैंने बताया है। इसमें आप कुछ पैसे भी सेव कर लोगे, कुछ पैसे के अगर कुछ क्रैक हो गया तो आप 10,000 रुपये सेव कर भी लेते हो तो 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइज। तो इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल पे आता है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए।